अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना चैनल आर्टिस्ट ऑनलाइन। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बना के दिखाने जा रही हूँ कि आप निंजा स्टार कैसे बना सकते हैं। निंजा जो है वो बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे कि निंजा कौन है, और उसके कार्टून्स वगैरह भी बच्चे बहुत लाइक करते हैं। और आई होप सो कि इसका जो स्टार है वो मैं इसको बहुत ईजी वे में बनाना बताऊँगी, तो इस वीडियो को भी आप बहुत लाइक करेंगे और आपको अच्छी लगेगी। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने टू कलर के पेपर ले लिए, एक लाइट ब्लू ले लिया है और एक थोड़ा सा डार्क ब्लू में ले लिया है। तो टू कंट्रास्ट पेपर आप कोई भी ले सकते हैं, तो मैंने ये दो कलर जो है वो चूज़ किए हैं। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये मेरे पास रेक्टेंगल शेप A4 साइज़ पेपर है, कंप्यूटर पेपर जो होता है, कंप्यूटर कलर पेपर है। इसको मैंने स्क्वेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, मीन कि जो इसकी ऊपर की जितनी लेंथ है उतनी ही मैं लंबाई में और चौड़ाई में सारा इसको इक्वल कर लूँगी। स्केल की मदद से इसकी मेजरमेंट कर लें। ये जिस तरह से आप इसको वो ट्रायंगल में मैंने फोल्ड करके आपको स्क्वायर बनाना बताया था, आप उस तरह से कर सकते हैं। तो चलें जी मैं इसको स्क्वायर बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। ये देखें जी, ये दोनों पेपर्स को मैंने स्क्वायर कर लिया है, ठीक है। अभी नहीं, क्या करेंगे अब इसको तह लगाएंगे सेंटर में, ट्रायंगल में नहीं रेक्टेंगल शेप में, करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, इस तरह से पेपर को फोल्ड करके लंबाई में इस तरह से आप इसकी तह लगा लेंगे, और उसे अच्छे से नेल्स की मदद से इस तरह इसको प्रेस कर दें। सेम इसी तरह से दूसरे पेपर के साथ भी कर लेते हैं। ये देखें जी, दोनों पेपर्स को मैंने सेंटर में तह लगा ली है। अभी क्या करना है जी, डोर की तरह इसको दोनों पेपर्स को बारी बारी तह लगाना है। ये देखें, ऊपर की साइड से भी मैंने पेपर को लिया और सेंटर में, सेंटर तक उसको करके इक्वल करके मैंने तय लगा दी। अभी नीचे से पेपर उठा के भी मैं सेंटर लाइन तक लेकर जाऊंगी और उसको तय लगा दूंगी। दूसरे पेपर को भी आपने सेम इसी तरह से तय लगा लेनी है। ये देखें जी, दूसरे पेपर को भी मैंने इसी तरह से फोल्ड कर लिया, दोनों पेपर्स को फोल्ड कर लिया। जो स्टेप एक पेपर के साथ करेंगे आप, सेम वही स्टेप आपने दूसरे पेपर के साथ रिपीट करना है। लेकिन जहाँ पे चेंज करना होगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि इसमें कौन सी चीज़ जो है वो दूसरे पेपर से थोड़ा चेंज रहेगी। अब ये देखिए, हमने दोनों पेपर को डोर की तरह राइट और लेफ्ट दोनों साइड से हमने फोल्ड कर लिया था। अब वो जो सेंटर की लाइन हमने बनाई थी वहाँ से देखिए मैंने इसको तय कर दिया, ये प्रेस कर दिए, देखें दोनों को साथ में मिला के, और इस लाइन को जो है, ये साइड लाइन जो है, इसको मैंने तह लगा दिए, ठीक हो गया। अब इस लाइन का सेंटर बना लेंगे, ये सेंटर पर मार्क कर लेंगे, ठीक है, मार्क करके दिखाती हूँ आप। ये देखें जी, सेंटर में मैंने एक इसे दोनों साइड से पकड़ के फोल्ड करके ये इस तरह से नेल के साथ प्रेस करके एक लाइन जो है वो प्रोमिनेंट हो गई है। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इस साइड से उठाना है, इसको इस तरह नीचे की तरफ फोल्ड करना है, यानी इस लाइन के साथ ये चीज़ जो है वो इस लाइन के साथ मैच करेगी, और ये ऊपर से ये नीचे की तरफ फोल्ड करना है, और ये वाली साइड नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करनी है। ये देखें जी, इसकी लेफ्ट साइड जो है, इसकी लेफ्ट साइड मैंने ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड कर ली है, और ये जो राइट साइड है ये मैं नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर दूंगी, सेम इसी तरह से। ये देखें जी, एक साइड जो है वो मैंने ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड की, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड की, और दूसरी साइड मैंने नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर ली। अब दूसरे पेपर के साथ क्या करना है ये आप ध्यान से देखिए। अच्छा जी, ये देखिए, इसको भी दोनों पेपर को मैं दोनों कॉर्नर पकड़ के इसकी सेंटर लाइन बना ली। अब पहले पेपर के साथ हमने क्या किया था, ये जो लेफ्ट साइड सी थी इसको हमने ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया था, लेकिन हम ये इस पेपर के साथ क्या करेंगे, इसकी जो हम लेफ्ट साइड है वो नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, और राइट साइड जो है ये नीचे की तरफ आ जाएगी, ये लेफ्ट ऊपर की तरफ और राइट नीचे की तरफ। फर्स्ट पेपर के साथ हमने लेफ्ट जो है वो नीचे की तरफ फोल्ड की थी और राइट ऊपर की तरफ की थी, इसके साथ हम थोड़ा ऑपोजिट करेंगे। ये देखें जी, ये मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड कर दी, अब ये जो राइट साइड है इसको मैं नीचे की तरफ फोल्ड कर दूंगी। ये देखें जी, लेफ्ट ऊपर और राइट नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर दी। अब ये देखें, ये इस तरह से ऑपोजिट, ये दो टू शेप्स जो है वो आपको ये इस तरह से दिखाई दे रही हूँ। ये देखें, इस तरह से ये टू जो है हमने दोनों पेपर्स को इस तरह फोल्ड किया। अभी नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आप। अभी देखें, ये पेपर की एक ही ओपन साइड है, जिस तरह से ये तय हमने लगाई थी, तो ये ओपन साइड है, और अगर इसको हम उल्टा करें तो इसकी ये प्लेन साइड आ जाती है। तो आपने क्या करना है, दोनों प्लेन साइड को एक दूसरे के ऊपर रखना है ऐसे, जिस तरह ये प्लेन साइड है इसको, और इसकी प्लेन साइड को दोनों को ऊपर नीचे एक्स एक्स शेप में, अल्फ़ाबेट है एक्स, उस शेप में आपने इसको ढक देना है उस स्टाइल में। ये देखें इस तरह से,
ठीक है, इस तरह से रखना है। लेकिन इस तरह ये प्रोसेस करने से पहले एक और स्टेप है जो मैं आपको बताते चलूँ, वो ये है कि आपने अब ये जो है कॉर्नर, अब ये देखें ये स्ट्रेट साइड है, ये देखें ये तिरछा सा आ रहा है, ये टेढ़ी सी लाइन आ रही है, इसके साथ ये जो ऊपर है आपने इधर से उठाना है और इस लाइन के साथ मैच करके इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है। और इस साइड से क्या करना है आपने, इस साइड से भी ये देखें ये साइड उठानी है, इस लाइन के साथ मैच करते हुए नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है। करके दिखाती हूँ, ये देखें जी इस तरह से, ये एक ट्राइंगल की तरह ये इस तरह से बन जाएगा। दूसरी साइड से भी ये देखें, इधर से उठाएं और इस लाइन के साथ ये नीचे की तरफ फोल्ड करें। ये देखें जी, ये मैंने दोनों पेपर्स को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब क्या करेंगे, ये जो इनकी मैंने आपको जो पहले बताया था स्टेप, ये जो होगा इसका प्लेन साइड जो है, ये देखें ये ओपन साइड है, ये इसकी जो प्लेन साइड है ये देखें इसको, ये देखें जी मैंने इसको एक्स की तरह इस पर रख दिया है। अब ये जो इसकी पूरी ये पूरा ये फोल्ड है, जिस तरह से ये पूरा उठाऊंगी और ये ब्लू वाला उठा के थोड़ा इसका पार्ट और इसके अंदर इसको रख के वापस इसके ऊपर फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए आप देख सकते हैं इसका ऊपर का वो जो कॉर्नर था जो हमने तय लगाई थी उसको मैंने उठा के ब्लू के नीचे फोल्ड कर दिया। अब ये नीचे वाला भी उठा के इस वाला ब्लू ये जो सेंटर इधर से नज़र आ रहा है इसके नीचे इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखें जी आप ये देख सकते हैं ऊपर वाले ब्लू को, ये डार्क ब्लू को ये लाइट वाले ब्लू के ऊपर एक साइड पे मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया और नीचे वाले को दूसरी साइड से, ये देखें कुछ ये शेप बन जाएगी। अब इसको उल्टा करती हूँ, ये देखें जी इस तरह से हो गया। अब इसको मैं उल्टा करके दिखाती हूँ, अब ये देखें बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब क्या करना है, ये पूरा वाला ब्लू ये यहाँ तक ये जो फोल्ड आएगा ये पूरा ये फोल्ड ये उठा के इस ब्लू के नीचे ये जो सेंटर में ये लाइन दिखाई दे रही है इसके अंदर से इंसर्ट कर देंगे और इधर से उठाएंगे और इस साइड से इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये देखें जी, ये मैंने ऊपर से ब्लू को उसका कॉर्नर उठाया और इस ब्लू के नीचे फोल्ड कर दिया। अब ये नीचे से उठा के उसके नीचे फोल्ड कर दूंगी। ये देखें जी, ये भी मैंने ऊपर और नीचे इस तरह से उठा के उसको फोल्ड कर दिया। अब ये इसकी ये ऊपर से इसकी लुक इस तरह की, अब बैक साइड से भी दिखा। अब ये देखें, ये बैक साइड से इस तरह से इसकी कुछ लुक है, ये देख रहे हैं आप इस तरह से है। और ये देखें जी, ये इसकी फ्रंट लुक है और ये इसकी बैक लुक है। ये देखें, आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली चैनल को बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।